नमस्कार आदाब सत सरकार, मैं हूं दानिश सदा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी। बुरहानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बुरहानपुर नगर निगम के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरोहर पर वार्डवासी कितने खुश है ये जानने के लिए बीएनसी न्यूज लेके आया है आपके लिए खास पेशकश, मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बुरहानपुर के 48 वार्डों की जनता की क्या समस्या है और उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आज हम आपको जो है बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 27 में दाऊदपुरा वाड़ी ये कहलाता है, जानेंगे जनता से कि पुराने पास उनकी समस्याओं पे कितने खड़े उतरे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। ये बताइए इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है, समस्या के मामले में तो जितना बोलें उतना कम है। बाकी अब एक दिन के आड़ में पानी मिलता है, इतनी बोरिंगें खुदी, सब कुछ हुआ, यह रोशन चौक से लेकर चंद्रकला तक के इधर बोरिंग का पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब एक ही अगर नेता जीतेगा और एक ही नेता खड़ा रहेगा तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं कोई नया चेहरा फिर से? नया चेहरा आने को ही होना ना, जरूरी है ना। वो अब एक ही घर से सब होएगा, एक ही जीतेगा, दूसरे को हक नहीं है, दूसरा जीत नहीं सकता। तो यहाँ से क्या एक बदलना चाहिए? एक ही पार्षद एक ही घर के लड़के आते थे? हाँ, एक ही घर का है, 5 साल 10-15 साल से एक ही है। अच्छा, एक ही है। क्या है ये, नए बच्चों को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समस्याएं तो बहुत है, अब ऐसी समस्याएं गिनाते बैठे तो हफ्ता भर निकल जाएगा। बाकी मेन समस्याएं तो ये है कि हमको एक दिन की आड़ में पानी क्यों मिल रहा है? सबको 24 घंटे पानी मिलता है, हमको एक दिन की आड़ में मिलता है, रोशन चौक से लेके और चंद्रकला तक के इतनी पट्टी में नहीं है बोरिंग का पानी। हमारे घर के पीछे बोरिंग खुदी है, उसका पानी हमको नहीं है, दूसरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कोई इंसाफ है? नगर निगम को आपने शिकायत की थी? नहीं, वो सामने वाला बोलता आ जाएगा आ जाएगा, वो आ गया। आपने कभी? अब 5 साल आ गए, अब हम दूसरा देखेंगे, हमारी समस्या का हम इंतजाम करेंगे। तो आपकी समस्या का आप खुद ही निराकरण निकाल लेंगे? क्या करेंगे फिर, आप दूसरे को लाएंगे, दूसरे के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जनता है जो बता रही है कि पूर्व पार्षद उनकी समस्याओं पर कितने खड़े उतरे हैं। पूर्व पार्षद को शिकायत की, नगर निगम को शिकायत करने जब जाते तो पूर्व पार्षद का कहना पड़ता था हो जाएगा, इन्हें कहीं ना कहीं शिकायत करने का पूर्व पार्षद की तरफ से मनाई थी। बात करें जनता से और क्या इनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? यूनुस खान। ये बताइए क्या समस्या है इस वार्ड की? समस्या नाली की समस्या, पानी की समस्या, झाड़ू देने वाला नहीं आता, कुछ नहीं आते। हमने नगर निगम में भी शिकायत करे, बाकी उसका भी कोई मतलब हल नहीं निकलता। वो मेंबर जाता है फिर आके वापस दोबारा जीत के जाता, तो वापस दोबारा वार्ड में आता ही नहीं है। वो दोबारा आते ही नहीं, दोबारा वार्ड में आता ही नहीं। तो हमारी समस्या ये है कि नाली नहीं है, पानी नहीं है, और ये देखो आप गंदगी है पड़ी हुई है, ये सब जितनी भी है तो कोई निकालता नहीं और इसका कोई निराकरण करता नहीं। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद है आपको? आने वाले पार्षद से तो हमारे को ये उम्मीद। मेरा नाम मोहम्मद रहीम है। ये समस्या तो बहुत है लेकिन इसको हल कोई करता नहीं है, और इसके बाद जैसा पार्षद तो जीतने के बाद ये वार्ड में आता घूमता ही नहीं है, और अपन कोई काम के लिए अपने को जाना पड़ता है नगर निगम, पार्षद के घर पे जाओ तो मिलते नहीं है। और फिर बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, पार्षद के घर पर जाओ तो मिलते नहीं है, और अपने जो काम रहता है खुद ही का हल करना पड़ता है, अपने को जाना पड़ता है नगर निगम। आपके काम के अंदर इन्हें पार्षद का कोई सहयोग नहीं आज तक? नहीं, आज तक के नहीं, जो भी काम हुआ हमने किया आज तक के, जो भी काम सब आपने ही किया जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, वार्ड नंबर 27 दाऊदपुरा से रहने वाला निवासी हूँ। अब बदलाव की बहुत ज़रूरत है, और आम आदमी पार्टी से जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ अख्तर राजा, हमारा फुल सहयोग उसी के साथ है, और पूरी जनता का भी सहयोग उसी के साथ है। अब आने वाले चुनाव में हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमारे वार्ड को सफाई और हर चीज़ से मुक्त कराएंगे इंशाल्लाह, इसी की उम्मीद कर रहे हैं हम। उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, उसी की उम्मीद है आपको कि वो कभी? बहुत उम्मीद है, वो हर तन मन धन सबसे लगाने को तैयार है, पास से भी हर चीज़ करने को तैयार है, सिर्फ एक बार चुनाव जीत जाए सब इंशाल्लाह सब अच्छा ही अच्छा होगा। पूर्व में क्या कार्यकाल रहा है जो अभी खड़े हैं इनका कार्यकाल ये रहा है कि हर बार कोई भी वार्ड में समस्या होती तो बरोबर आता है सामने वाला, काम करवाता है, किसी का भी मैयत का हो कोई का भी काम हो बरोबर आके काम करवाता है, इसलिए हमने उसे चुना है। यानी जो काम एक पार्षद को करना चाहिए था वो काम वो कर रहा है, आज से नहीं 2-3 साल पहले से कर रहा है वो काम, इसीलिए हमारा भी यही सोच है कि उसी को हम पार्षद बनाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। आप क्या कहेंगे? जी मैं इरशाद खान। बस अपने को क्या चाहिए भाई, नाली वगैरह, झाड़ू वगैरह,
कचरा वगैरह, पानी वगैरह, इस ये चीज़ होना अपनों को, जो घर का जो है राशन कार्ड का नाम कट गया है, नाम जोड़ना है, ये सब काम तो अपन ही करते हैं। भी सुविधा है वो चाहिए, ये चाहिए। ये भाई नौजवान बच्चा खड़े हुआ है, ये 20 साल से जीतते हुआ है, 25 साल से जीतते हुआ है। और वो पार्षद के बारे में क्या कहेंगे आप? पूर्व पार्षद के बारे में, पुराने पार्षद के बारे में? वो पुराने पार्षद जो है तो बस शरीफ ये वोटिंग के टाइम पे आते हैं, देख रेख करते हैं और चले जाते हैं, घरों का काम रह जाता है, कोई काम वगैरह कोई करते नहीं है। इनका घर का काम मेरे को करना पड़ता है, इनके घरों का काम मेरे को करना पड़ता है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी काम है इनका, मसले मसाए का काम पूरा मैं ही करता हूँ नगर निगम का। बस पार्षद काम पार्षद को करना चाहिए, वो काम पार्षद को करना चाहिए, वो काम अपन करते हैं, ये लोग परेशान होते हैं। इसलिए पार्षद पूर्व पार्षद से कोई उम्मीद नहीं है आपको? पार्षद से कोई उम्मीद नहीं है, आने वाले पार्षद से बहुत उम्मीद है हमको, इसी को लाने का है और इसी को जिताने का है आप लोगों। आपका नाम क्या है? रफीगंज सर। क्या समस्या है वार्ड की? बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड में परिवर्तन हो, क्योंकि पिछला जो पार्षद था मतलब हमारी समस्या तो कभी ध्यान दिया नहीं, ना कभी हमारे हर परेशानी को नज़रअंदाज करते गए। क्या क्या आपकी समस्या है वार्ड की? भैया जो एक मूलभूत सुविधाएँ की कमी है, जो हमारे यहाँ नल पानी वगैरह साफ सफाई की उसकी वो सबकी सुविधा की कमी है। वाले पार्षद से क्या उम्मीद है? यही कि वो हमारा काम आसानी पूर्वक करे, सफलता पूर्वक करे, और हम यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबसे फतवा कामरानी नसीब फरमाए। क्या नाम है आपका? रफीक अंसारी। आप क्या कहे? वही बात करें पूर्व पार्षद की, तो उनका क्या कार्यकाल था ये आपने जाना है, मौजूद है इस वार्ड की जनता, बात करेंगे इनसे, क्या चुनावी मिजाज है यहाँ का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान। ये बताइए कि क्या लगता है कौन इस वार्ड से विजय बनेगा आपका, इस वार्ड के वासी है, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बुरहानपुर से महापौर में इस्माइल अंसारी, शहनाज इस्माइल अंसारी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वो बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। और रही बात दाऊदपुरे की, तो इंशाल्लाह हमीद भाई भी इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा। और कांग्रेस यहाँ से बहुत धमाकेदार जीत दर्ज करेगी इंशाल्लाह। कौन है हमीद भाई? हमीद भाई जो है तो दाऊदपुरे का जाना माना चेहरा, जाना माना जाना पहचाना नाम है, और जनता के बीच में बहुत 20 सालों से ये अपने मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, कोशिशें लगातार कर रहे हैं वार्ड के लिए, वार्ड के फ्यूचर को देखकर, भविष्य को देखकर इनकी बहुत सारे मन में दिमाग में योजनाएं भी है, बहुत सारे काम करने के इनके सोच भी है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमीद भाई कहीं ना कहीं दाऊदपुरे का कुछ अच्छा ही विकास करेंगे। आप इनके पक्ष में क्यों है, क्या काम किया इन्होंने आपका? युवा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं और हर तरह की समझ रखते हैं, और उम्मीद है हमें कि दाऊदपुरे का कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही विकास करेंगे, बहुत अच्छा विकास करेंगे। मोहसिन खान मौजूद है इस बार के कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार, जाने के इनसे अगर ये पार्षद बन जाते हैं क्या विकास इस वार्ड का करेगा, हालांकि जनता का जो मिजाज है इनके पक्ष में नज़र आ रहा है, बात करेगा इनसे। क्या नाम है आपका? हमीद डायमंड। ये बताइए कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जनता आप पर विश्वास जता रही है, क्या विकास करेगा इस वार्ड का आप? देखिए हमारे वहाँ पिछले तकरीबन 25 सालों से जो है तो निर्दलीय पार्षद रहा है और वार्ड में कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। नाली निर्माण जो है तो लगभग 20-25 सालों से वैसे ही है, रोड अधूरे पड़े हैं, कोई भी शासकीय सुविधाएँ जो है ना तो मिलती नहीं है वार्ड के लोगों को। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाओ, वार्ड के जो रुके हुए काम है सारे कामों को पूरा करो, काम कुछ हुआ ही नहीं है, नाली निर्माण नहीं हुआ है, गेट जो प्रवेश द्वार होते हैं वो कोई पूरे दाऊदपुर वार्ड में एक भी नहीं बना है, कोई शासकीय स्कूल हमारे वार्ड में नहीं है, ना कोई सामुदायिक भवन है, और भी जो शासकीय शासन की योजनाएँ होती है किसी भी योजना का लाभ लोगों को मिलता नहीं है। ऊपर से ये रहा हुआ है कि हमारे वहाँ आवास योजना में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका मतलब अपन आकलन भी नहीं कर सकते, इतना भ्रष्टाचार हमारे वार्ड में हुआ है जिसकी कोई गिनती नहीं है। पूर्व पार्षद के लिए कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं घबराए भी लगता है, क्या बोलेंगे इसका? उनका टेरर बहुत रहा है, मतलब आज भी कुछ लोगों को बुलाकर जो है तो धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है कि ये देख लेंगे, कर लेंगे, ये मत करना, तो उससे थोड़ा सा लोग, और हमारे वहाँ क्या है सब सभ्य लोग और सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो ये सब लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, जनता एकदम खामोश, साइलेंट वोटर है, दाऊदपुरे का वोटर जो है ना साइलेंट वोटर है, आप देखोगे चुनावी माहौल पूरे शहर में है लेकिन हमारे वहाँ सब लोग साइलेंट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जनता है, सोच समझ कर अपना निर्णय लेती है, कोई मसला नहीं। यानी आपका मानना है कि जो जनता को खामोश बिठाया गया है उनकी, क्या कुछ बोल ना सकते? कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, कोई मतलब
एक तरीके से बातों बातों में ब्लैकमेल करना बोलो या फिर उसको मतलब चमकाना बोलो, आम भाषा में जो बोलते हैं कि किसी को भी डरा धमका कर खामोश करना, ये करना। अब सीधे साधे काम धंधे वाले लोग हैं इसलिए कोई लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए बेचारे खामोश। पूरी जनता त्रस्त है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप कहीं पर भी जाएंगे कहीं ना कहीं हर घर में कुछ ना कुछ मामला मिलेगा, चाहे वो आवास योजना के मामले में हो, शौचालय के मामले में हो, बहुत भ्रष्टाचार है। निर्दलीय उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी आपके सामने है, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है ना, मैंने पिछला चुनाव भी 2014 में लड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू, हमारी पूरी टीम जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करती रही, तकरीबन 8 साल का अरसा हो गया हम तब से वार्ड में लगे हुए। बीच में कोरोना काल भी आया, लॉकडाउन भी लगा, हमारी सारी टीम काम करती रही है। तो हमको उम्मीद है कि इस बार लोग हमको बिल्कुल ताकत से सपोर्ट करेंगे और पब्लिक का सपोर्ट दिख भी रहा है, आपने भी महसूस किया होगा। ये थे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जिनको कांग्रेस ने उतार दिया है। जाना है आपने इनसे कि अगर ये पार्षद बन जाते हैं क्या विकास इस वार्ड का करेंगे। बीएनसी न्यूज़ के कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ दानिश अज़ा खान, बुरहानपुर। मौजूद है इस वार्ड से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जिनको आम आदमी पार्टी ने अधिकृत करके अब उतार दिया है। जाने का इनसे वार्डवासियों ने इनसे बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई है। बात करेगा कि पार्षद बन जाते हैं क्या विकास इस वार्ड का करेंगे। क्या नाम है आपका? अख्तर राजा। ये बताइए कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? विकास तो बहुत कुछ करेंगे यार, देखो इस पार्टी ने बदलाव किया है और बदलाव करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली हुआ है, पंजाब हुआ है, आज एमपी की बारी है, तो हमने करके दिखाया है। और वार्ड के अंदर जो स्थिति अभी है कि लोगों का कचरा एक एक हफ्ता हो जाता है, साथ साथ 8-8 दिन हो जाते, कचरा नहीं उठा पाते, नालियाँ सफा नहीं होती, पानी की समस्या है। उस समस्या को निराकरण करना एक बार दाऊदपुरे की वार्ड को बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। और ये जनता अगर एक बार बदलाव करे और मेरे को चुन के लेके आए तो मैं वादा करता हूँ कि सारी चीज़ों की समस्या का हल कर देंगे।